हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था बिहारी में कि किस तरह से शिवाजी को उन्होंने कहा है, बिहारी ने, कि हे शिवाजी जैसे बाज तुम औरंगजेब जैसे नीच के हाथों में पड़कर, शिकारी के हाथों में पड़कर के व्यर्थ में ही अपने ही जाति के स्वजातीय पक्षियों को क्यों मारना चाहते हो। तो आगे वो कहते हैं, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराई, ए गंदी मति मंद तू इतर दिखावत काही। तो यहाँ कवि कहते हैं, अरे इत्र बेचने वाले, गंधे मतलब होता है इत्र बेचने वाले, तो तुम ऐसे मूर्ख लोगों की को अपना इत्र क्यों दिखाते हो। ए गंदी मति मंद तुम इतना मूर्ख बुद्धि वाले हो, तो तुम इन बुद्धिमान बनो और इन मूर्ख व्यक्तियों के बीच में इत्र दिखावत काही, अपने इत्र को क्यों दिखाते हो। जो कि करी फुलेल को आचमन, जो तुम इत्र को मात्र मीठो कहत सराय सूंघते हैं और उसका आचमन कर जाते हैं, उसको पी जाते हैं, चखते हैं और फिर प्रशंसा स्वर में अपनी उसकी मिठास की सराहना करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे इस इत्र को हाथ में आचमन की तरह लेते हैं और उसको पी जाते हैं और फिर उसकी मीठेपन की सराहना करते हैं, तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के बीच में तुम उनको इत्र दिखाते ही क्यों हो। तो अन्योक्ति अलंकार है बच्चों इसमें। अगला है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। पतझड़ चला, बसंत चला जाता है लेकिन फिर बसंत आएगा, इस उम्मीद में भंवरा है वो गुलाब की कंटीली डालियों पर भी चिपका रहता है। तो उसी को संबोधित करते हुए बिहारी कहते हैं कि हे भ्रमर, हे भंवरे, जिन दिनों तुमने वे सुंदर सुगंधित पुष्प देखे थे, जिन दिन देखे वे कुसुम, वे सुंदर खिले हुए फूल देखे थे, गई सो बीती बहार, वह बसंत ऋतु तो अब बीत गई है, अब अली रही गुलाब में, तो हे भंवरे, अब तो गुलाब के पौधे पर या गुलाब के पौधे में अपत कंटीली डार, बिना पत्तों की कंटीली डालियाँ रह गई है, अब इसे मोह रखना व्यर्थ है। तो यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार है। आगे है, कौन भांति रही है बिरदू, अब देखियो देखी वो मुरारी, बींधे मोसो आने के गीदे गीधई तारी। कहते हैं तुमने गीद जैसों का उद्धार किया होगा, अब आकर मुझ जैसों से पाला पड़ा है तो उद्धार करके दिखाओ। तो बिहारी कहते हैं कि मूर और जटायु का स्मरण कर भगवान को अपने अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। कि भक्त कवि भगवान से कहता कि हे मुरारी, कौन भांति रही है बिरदू, अब देखियो मुरारी, हे मुरारी, मुर को राक्षस को मारने वाले मुरारी, अब मुझे यह देखना है कि आप अपने यश को कहाँ तक रख पाते हैं, आप अपने यश को सुरक्षित कैसे रख पाते हैं। कौन भांति रही है बिरदू, बिरदू मतलब प्रसिद्धि, तो आपकी अब ये जो प्रसिद्धि है वो अब देखते हैं किस भांति रह पाती है, किस प्रकार रह पाती है। ये जटायु नामक गीध नहीं है, गीधे गीध ही माँ तारी, तो तुमने गीध को तारा होगा, जटायु नामक गीध को तारा होगा, जिसका एक बार तुमने उद्धार कर देने से आपको तारने की आदत पड़ गई कि गीधे गीध ही तारी, बैंधे मोसो आने के, अब की बार आपका पाला मुझ जैसे पापी आदमी से पड़ा है, तो मुझसे बिंधने पर कोई फिर कभी नहीं सुलझा नहीं है। यानी मुझ जैसे पापी आदमी का अगर आप उद्धार करोगे तब जानूंगा, अब तक तो आपने गीद जैसों का उद्धार करके है तार ही नाम, आपकी उपाधि आपको यूं ही प्राप्त हो गई। अनुप्रास यमक अलंकार है, कहत नटत रीजत खिजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ दोहे बिहारी ने गागर में सागर भरा इस दोहे को लेकर भी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका अपने बड़े गुरुजनों के सामने, अपने परिवार के सगे संबंधियों के सामने एक ही भवन में एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे से नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव रखता है या करता है, कहता है नटत, तो नायिका नट जाती है, मना कर देती है। रीजत, नायिका के नटने की कला देखकर नायक उस पर रीझ उठता है। खीजत, और उसके रीझने पर है नायिका है खीज जाती है। मिलत, इस तरह के संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं। खिलत, तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। लजियात,
और वहाँ वो लज्जा में नायिका की आंखें भर जाती है, तो अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी आने लगती है। तो भरे भवन में करता है नयनन ही सो बात हो, तो भरे भवन में वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं। दीपक विभावना और अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अगला है, अब जयसिंह अपनी नवोढ़ा नायिका या नवोढ़ा पत्नी के प्रेम पास में पढ़ करके अपनी राजनीति अपने राजकाज भूल गए थे, तो जाकर लोगों ने बिहारी से कहा कि किसी तरह से राजा को समझाइए। तब बिहारी ने ये दोहा लिख करके राजा के पास भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। दोनों अर्थों में करेंगे, पहले हम सीधे सिंपल व्याख्या करेंगे फिर अन्योक्ति करेंगे। तो कवि कहते हैं कि नहीं पराग अभी इस हाल में न तो पराग है, नहीं मधुर मधु न मधुर मीठा शहद ही है, नहीं विकास ही काल और यह अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है। अली कली ही सो बंध्यो, तो हे भंवरे तुम अभी तो कली से ही इतने ज़्यादा कली पर इतने ज़्यादा मंडरा रहे हो, आगे कौन हवाल। तो ये कली जब खिल करके फूल बन जाएगी तब न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। अब अन्योक्ति है कि जयपुर के राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कविवर बिहारी ने कहा कि अभी तो नवविवाहिता रानी बहुत छोटी है, उसके अंग प्रत्यंगों का पूरा विकास भी नहीं हुआ है और उसमें यौवन की मादकता भी नहीं है, फिर भी आप उस पर इतने अधिक आसक्त हो गए हैं। जब वह पूर्ण युवती हो जाएगी तब तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। तो अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर। अगला है, मंगल बिंदु सुरंग मुखु शशि केसर याड़ गुरु इक नारी लही संग रस्म की लोचन जगत। ज्योतिष के आधार पर भी होता है ये और नायिका के आधार पर भी है कि मंगल बिंदु नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मंगल का रंग लाल माना जाता है तो उसने और गोल है तो मानो नायिका ने अपने ललाट पर मंगल ग्रह रूपी लाल बिंदी लगा रखी है। मुख शशि मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ तिलक रूपी बृहस्पति है। मुख शशि और मुख ही उसका मानो चंद्रमा है, केसरी आड़ गुरु और केसर का आड़ा तिलक ही मानो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति का रंग पीला और केसर का रंग पीला होता है, तो वही मानो केसर का जो आड़ा तिलक है वही मानो बृहस्पति गुरु है या बृहस्पति है या गुरु नक्षत्र है। एक नारी लही संगु, तो एक ही नारी, नारी मतलब स्त्री भी होगा और नाड़ी मतलब नाड़ी भी होगा, स्थिति भी होगा, तो अतः उसमें मन में नायिका के इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण करके कौन कौन से, लाल रंग का मंगल रूपी बिंदी, चंद्रमा रूपी सफ़ेद रंग का चंद्रमा रूपी मुख और आड़ा तिलक बृहस्पति रूपी आड़ा केसर का तिलक, तो इन तीनों ही नक्षत्रों को एक ही राशि में होने से या एक ही नारी ने ग्रहण करके मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया है। रसमय किए लोचन जगत, देखने वाले संसार की आँखों को रसमय कर दिया है। दूसरा अर्थ ये होगा कि इन तीनों नक्षत्रों को एक ही राशि में होने पर रसमय किए लोचन जगत सारे संसार को जलमग्न कर दिया है, यानी कि जल प्लावन होने की स्थिति होती है जब ये तीनों एक ही राशि में आ जाते हैं। कौन कौन से, मंगल चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों जब एक राशि में आ जाते हैं एक साथ हो जाते हैं तो संसार में जल प्लावन या जलमग्न हो जाता है। तो अनुप्रास लेस और सांग रूपक अलंकार है बच्चों। अगला, दीर्घ सांस न ले ही दुख सुख साई न भूली दई दई क्यों करत है दई दई सुख कबूली, यह कर जाए संसार तो फिर संसार में हाय हाय मचती ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि तुम्हें दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए, दीर्घ सांस न ले ही दुख, दुख जब आते हैं तो लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। सुख साई न भूली, और जब सुख वैभव मिलने पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करत है, तुम उस समय उपस्थित दुख को देखकर क्यों हाय देव करते रहते हो या पुकारते हो। दई दई सुकबूली, जो विधाता ने दे दिया है उसे ईश्वरीय कृपा या प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला,
पत्राई तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। तो नायिका की सखी नायक से जाकर के कहती है, उसके मुख की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उसका मुख पूर्णिमा चंद्रमा के समान है। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, प्रतिदिन उसका मुख तो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रहता है। आनन ओप उजास, उसके मुख की जो प्रकाश है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान ही प्रतिदिन रहता है। तो पत्रा ही तिथि पाइए, इसलिए उसके घर के आसपास है पूर्णिमा की भ्रांति होने की वजह से ही केवल पत्रा यानी पंचांग के द्वारा ही वहाँ पर वास्तविक तिथि का ज्ञान हो पाता है। परिसंख्या और काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। तो लगी यामन सदन में हरि आवे कही बाट, विकट जटे लो जो लघु का निपट रख, खुले न कपट कपाट। कवि कहते हैं कि इस मन रूपी घर में तब तक भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं। जो लगी यामन सदन में, मन रूपी भवन में हरि आवे कही बाट, ईश्वर किस रास्ते से आ सकते हैं। विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट, जब तक इसके द्वार पर जुड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते हैं। विकट जटे भयंकर रूप से जुड़े हुए हैं, जो लघु निपट खुले न कपट कपाट, थोड़े से भी वो कपट रूपी दरवाजे हैं जो खुलते नहीं हैं। तो ऐसे वक्त के घर रूपी मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से आ सकते हैं, अनुप्रास एवं सांग रूपक अलंकार है। अगला है हम वो कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।